नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो हमारा YouTube चैनल जितेंद्र मशीनरी कंपनी और हम आपके लिए नए नए बिजनेस आइडियाज लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम जो आपके लिए आज बिजनेस लेके आए हैं ये है नोटबुक रजिस्टर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। आप देखोगे इस वीडियो में कि कैसे नोटबुक किताब बनती है। आज दोस्तों हम आए हैं अमृत नोटबुक के यहाँ पे, जो कि महाराष्ट्र में अकोला डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। तो हम इनके यहाँ आए हैं, हमारा सेटअप लगा है इनके पास। आप देख सकते हो सारा कैसे नोटबुक ये उन्होंने ऑटोमेटिक मशीन्स लगाएंगे। तो कैसे नोटबुक बनता है, क्या क्या प्रोसीजर है, आज हम सारा इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आज हम समझ लेते हैं कि क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए होता है नोटबुक बनाने के लिए। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो, तीन रॉ मटेरियल चाहिए। एक तो फ्रंट टाइटल, जिससे हम आपका फ्रंट कवर देखते हैं, और उसके अंदर होता है आपका इंडेक्स पेपर, जिसके अंदर हम अपना नेम एड्रेस सब कुछ लिखते हैं, और उसके पीछे होता है आपका पेपर जिस पे हम लिखते हैं। ये तीन रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं आपको नोटबुक बनाने के लिए, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर आपको ये हमसे चाहिए हो तो हमसे भी इजीली अवेलेबल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये तो तीन रॉ मटेरियल थे नोटबुक बनाने के लिए। इसके बाद हम देखते हैं कैसे इसको तैयार किया जाता है, क्या इसका आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है। तो ये तीन रॉ मटेरियल जैसे आपके सामने पड़े हैं, इसमें हमें इस मशीन में लेके आना है। ये 3-in-1 स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग मशीन है। इसमें आपका इधर से पेपर लगेगा, इधर आपका पिन लगेगा, पिन लगने के बाद आपका फोल्डिंग होगा, देन स्क्वेयर होने के बाद कॉपी तैयार होकर बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये पूरा स्टिचिंग फोल्डिंग स्क्वेयरिंग होके जो रॉ मटेरियल मैंने पहले लगाया था वही हमने इसमें लगाया, और ये पूरा पिन लग के पूरा स्क्वेयर होके बाहर आ गया। अभी फाइनल काम है हमारा इसमें कटिंग करने का। हम इसमें यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे, यहाँ पे कट करने के बाद दो कॉपी तैयार हो जाएगी। हमारा नोटबुक जो है दो दो कॉपी का सेट तैयार होता है, एक और ये दो। छोटी बनानी है तो छोटी का भी दो का लगेगा, बड़ी बनानी है तो बड़ी का भी दो का लगेगा, सभी का दो का सेटअप होता है। तो आप देख सकते हो ये फुली ऑटोमेटिक इन्होंने सेटअप लगाया, जिसमें 3-in-1 ये सारा टच स्क्रीन ऑपरेटेड है। इसमें आप देख सकते हो ऑटो मोड में जाकर सारा प्रोग्राम डाल सकते हो, जो जो प्रोग्राम आप फीड करोगे, जितने नंबर ऑफ पिन डालोगे आप। जैसे करंटली अभी 6 पिन लगे हुए हैं, तो अभी जो भी कॉपी का सेटअप है उसमें आपका 6-6 पिन लगेगा डबल कॉपी को, सिंगल करने के बाद उसमें 3-3 का सेट हो जाएगा। तो ये है हमें इसमें अभी हमने सेट किया A4 का, ये A4 कॉपी का सेटअप लगा हुआ, इसका हमने इसमें सेटिंग करके वो निकाला। इसका मैं वर्किंग वीडियो आपको दिखा दूंगा। तो चलिए वो इसके बाद हम देख लेते हैं कटिंग का काम, कटिंग कैसे होती है। दोस्तों ये देख सकते हो ये फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल पेपर कटिंग मशीन है। ये फ्रंट में इसका ये प्रोग्राम लगा होता है। आम इसके लिए आपका सेमी ऑटो कटर भी आता है, मैनुअल भी आता है, वो भी आप लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। बाकी इन्होंने जो लगाया ये फुली ऑटोमेटिक प्रोग्रामेबल सेटअप है। इसका प्रोडक्शन भी ज्यादा रहता है, और इसमें आपका एक्यूरेसी भी नोटबुक का वो भी फिनिशिंग काफी बढ़िया आता है। तो इसमें हमने नोटबुक का साइज फिट कर देना है कि मुझे कितने बाय कितने सेंटीमीटर का कटिंग चाहिए, और जो मेजरिंग का काम है वो सारा मशीन का है। उसके बाद इस मशीन में सेंसर लगे होते हैं, सेफ्टी सेंसर, हाथ आगे होगा मशीन नहीं चलेगा। इसका भी मैं वर्किंग वीडियो आपका सारा ऑपरेशनल कैसे होता है कैसे नहीं वो भी आपके साथ में दिखाता हूँ। तो इसमें आपका नोटबुक सारा कटिंग होने के बाद आप देख सकते हो ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी है। इतनी नोटबुक अभी हमने काटी है, तो ये सारा इसका फाइनल प्रोडक्ट है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी क्वालिटी सारी है ये कटिंग में आपकी, अगर कोई आपका दाग नहीं कुछ नहीं, मतलब आपका सभी एक्यूरेसी A1 क्वालिटी आता है, क्लासमेट जैसा नोटबुक इन मशीनों में बनता है। आपका बजट हाई है तो पैसे भी आप इसको लगा के अच्छी क्वालिटी का नोटबुक बना सकते हो। जैसे हमने ये जो कॉपी सारी रखी है, इसको अगर हमने पैकिंग करना हो, पैक करके मार्केट में सेल करना हो, तो इसके लिए श्रिंक रैपिंग मशीन आता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये है हमारा श्रिंक रैपिंग मशीन, ये भी लगा अभी हमने इसको यूज किया। तो इसमें हमारे जो नोटबुक 5-5, 6-6 होते हैं उनको इकट्ठा रख के पॉलीथिन में रैप कर देते हैं। आज मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखो इन्होंने MRP के हिसाब से सारा पैक करके रखे हुए हैं। ये सारी पॉलिथीन की रैपिंग हुई है, ये इसमें 10-10 कॉपी का सेटअप होगा। ये देख सकते हो आप ये कितनी अच्छी से फिनिशिंग आई हुई है सारी। ये इससे ये होता है कि आपका नोटबुक चाहे जितना मर्जी स्टॉक पड़ा रहो, इसमें मॉइस्चर कभी नहीं आता, और जो लाइफ है वो काफी ज्यादा हो जाती है।
पूरा सील पैक होता है, एयर कंटेंट बिल्कुल नहीं आता इसमें, और आपका जितनी देर मर्जी रखो इसको कुछ कॉपी को नहीं होता। तो ये स्टोरेज के लिए काफी मतलब आसान और मतलब काफी जो फायदेमंद प्रोसेस रहता है। तो आप इसको भी साथ में लगा सकते हो। तो आप ये देख सकते हो कि ये तीन मशीनों का सेट है पूरा, और तीनों में इनका सभी टाइप का नोटबुक बन जाता है, छोटा हो बड़ा हो, रजिस्टर हो डायरी हो, सब कुछ बन जाता है। तो इतने से सेटअप के अंदर जितनी आप जगह देख सकते हो, इतनी जगह के अंदर इन्होंने पूरा सेटअप लगाया हो। तो आप भी अगर लगाना चाहते हो तो आप भी लगा सकते हो। कोई भी जानकारी चाहिए हो इसके रिलेटेड आप हमें फोन कर सकते हो। और अगर आपको नोटबुक्स चाहिए हो महाराष्ट्र रीजन में, तो अमृत नोटबुक है, इनका मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, तो उनसे आप कॉन्टैक्ट करके महाराष्ट्र में नोटबुक भी खरीद सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी।